दोस्तों, क्या आपको पता है कि मणिपुर कब भारत का हिस्सा बना? और क्या आपको ये पता है कि मणिपुर का पहला नाम क्या था? दोस्तों, आज हम मणिपुर से जुड़े ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आप लोगों में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल और आज हम जानेंगे मणिपुर से जुड़े 10 ऐसे ही रोचक तथ्य। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में है। दोस्तों, इम्फाल से 48 किलोमीटर दूर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंटीलर्ड हिरन की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का निवास है। यहाँ पर स्तनधारियों की 17 दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फैक्ट नंबर 2, इमाकेथेल वुमेन्स मार्केट, इमाकेथेल महिलाओं का बाजार। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल का एक ऐतिहासिक स्थल है। सैकड़ों स्टॉल पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, जहां आप फैशनेबल कपड़े, हाथों से बनाए गए आभूषण, फल, सब्जियां, मसाले और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मणिपुर में इमा शब्द का अर्थ है माँ और केथिल का अर्थ है बाजार। फैक्ट नंबर 3, मणिपुरी फैशन। दोस्तों, कई पारंपरिक कपड़े ऐसे हैं जिस पर मणिपुरी घमंड कर सकते हैं। महिलाओं के लिए पारंपरिक कपड़ों में इनापी, फोनेक और माइक नाई भी शामिल है। इनापी आपको ऊपरी शरीर के चारों ओर लपेटने के लिए शॉल है। फोनेक हाथ की बुनी हुई एक स्कर्ट है जो प्रसिद्ध सारंग के समान है। मेक नाई भी एक विशेष प्रकार का फोनेक है जो चमकीले रंगों में आता है और इसमें क्षैतिज पट्टियां होती है। फैक्ट नंबर 4, शहीद मीनार। दोस्तों, इम्फाल शहर के केंद्र में स्थित ये लंबा सेमिनार देशभक्त मीति और आदिवासी शहीदों की अदम्य भावना को याद करने के लिए है, जिन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। फैक्ट नंबर 5, पोलो गेम। दोस्तों, पोलो खेल की उत्पत्ति भी मणिपुर में हुई थी। इस खेल को बाद में अंग्रेजों ने अपनाया और इसीलिए इसने पश्चिमी देशों में लोकप्रियता हासिल की। फैक्ट नंबर 6, फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल। दोस्तों, भारत का पहला फ्लोटिंग प्राथमिक स्कूल, जिसका नाम लोकतक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल है, इसका उद्घाटन मणिपुर में लोकतक झील पर स्थित चंपू खंगपोक फ्लोटिंग विलेज में लंगोल्सबी लेकाई में फरवरी 2017 को किया गया था। फैक्ट नंबर 7, जापानी सेनाओं की हार। दोस्तों, मणिपुर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जापानी सेना ने मणिपुर के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया, जहां ब्रिटिश सेना ने इम्फाल में प्रवेश करने से पहले ही जापानियों को हरा दिया। फैक्ट नंबर 8, मणिपुर के कई नाम है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कंगाली पाक, सनाली बक और मिटाइली पक। फैक्ट नंबर 9, मणिपुर का पहला नाम। दोस्तों, मणिपुर के पहले का नाम कंगाली बक था। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जिसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर को कभी कभी वैकल्पिक नाम जैसे कंगाली पक या सनाली बक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, मणिपुर कब भारत का हिस्सा बना? 1956 से पहले मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था। युद्ध के बाद 1947 के मणिपुर संविधान अधिनियम ने सरकार के एक लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना की, जिसमें महाराजा कार्यकारी प्रमुख थे। 1949 में महाराजा बुद्धचंद्र ने राज्य को भारत में विलय करने के लिए सहायक उपकरण पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात विधानसभा को भंग कर दिया गया और अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में एक पूर्ण राज्य बनाया गया। तो दोस्तों, यही थे मणिपुर से जुड़े कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब